क्वेश्चन फोर ऑफ एक्सरसाइज एट। आज हम इस वीडियो में लेसन एट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फोर सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि कल हमने जूम क्लास पर इन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया, आज हम एक वीडियो क्रिएट करके अपलोड करके यूट्यूब पर और उसका लिंक व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे। तो इस तरह से जो हमने कल जूम क्लास ली थी उस पर आज उसी पर बेस्ड एक वीडियो है। तो ये प्रोसेस डिले का है। जो भी जूम क्लास हम लोग आपके लोग मतलब करवाते हैं उस पर बेस्ड एक वीडियो क्रिएट करते हैं और उसका लिंक हम व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। ठीक है, तो बस ये है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से क्वेश्चन फोर के कुछ पार्ट्स आपसे सॉल्व करवाए थे, ठीक है, कुछ पार्ट्स मैंने सॉल्व किए थे, कुछ पार्ट्स मोस्टली पार्ट्स स्टूडेंट्स ने ही सॉल्व किए थे। तो ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स जो हैं डिवीज़न करना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है ये। डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाई डेसिमल नंबर, किसी होल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड कैसे किया जाता है, डिवीज़न कैसे किया जाता है। तो 144 को डिवाइड करना है 0.12 से। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस तरह से लिखते हैं, कर सकते हैं ना, 144 अपॉन 0.12। ठीक है, अब पॉइंट के बाद टू डिजिट है यहाँ पर, तो 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे आप। कि क्यों कर रहे हैं 100 से, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद टू डिजिट है, तो इसे 20 यानी कि 100। तो डिवाइडेशन किया कितना आया, 14,400 अपॉन 12। और 12 से डिवाइड किया हमने इसको, तो सबसे पहले 12 का टेबल 14 में कितने टाइम्स जाएगा, टू वन टाइम। ठीक है, फिर हमने 4 में से 2 सब्ट्रैक्शन किया, यानी कि 20 एंड 14 में से 12 सब्ट्रैक्शन किया, 2 बचे और 4 हमने नोट कर लिया ये। ठीक है, अब 12 का टेबल इस 24 में 2 टाइम्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ 20 बचे, 20 यहाँ नोट करें, तो यहाँ पे नोट करना होंगे हमको। ये इसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो भी आप समझें इसको। ठीक है, तो इस तरह से 1200 इसका क्वेश्चन था, इस तरह से करना है। फिर इसका पार्ट नंबर टू, तो पार्ट नंबर टू स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया था, मोस्टली स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया था, फिर भी हम सॉल्व कर रहे हैं, देखते हैं इसको। 88 को डिवाइड करना है 0.08 से, 88 को डिवाइडेशन करना है 0.08 से। तो स्टूडेंट्स सिंपल है, क्या है, 88 अपॉन 0.08। अब 0.08 पॉइंट के बाद टू डिजिट हैं, तो 100 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाइकेशन करेंगे हम। ठीक है, जब 100 से की तो कितना हो गया, 8,800 अपॉन 8। अब 8 से डिवाइड किया, तो सिंपल है डिवाइडेशन करना, तो क्वेश्चन कितना आया, 1,100। इस तरह से वेरी सिंपल हो गया। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर थर्ड है इसका। पार्ट नंबर थर्ड में 93 को डिवाइड करना है 3.1 से, तो सबसे पहले 93 अपॉन 3.1 लिखें, अब पॉइंट के बाद वन डिजिट है ना, पॉइंट के बाद वन डिजिट है, देखो, तो हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो कितना आया, 930 अपॉन 31। तो 31 का टेबल 93 में कितने टाइम्स आएगा, 3 टाइम्स, और ये 0 है। एक बात तो बता दें आपको स्टूडेंट्स, टेबल्स को मैक्सिमम टाइम्स से पढ़ा जाता है, टेबल्स को मैक्सिमम टाइम से पढ़ा जाता है। अब 31 का टेबल 930 में कितने टाइम जाएगा, 31, कितने टाइम जाएगा, 31। तो सब्ट्रैक्शन किया, 0 आया, तो 93 डिवाइडेशन 3.1 का क्वेश्चन कितना आया, 30। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। पार्ट नंबर फोर, पार्ट नंबर फोर भी आप लोग सॉल्व करेंगे होमवर्क में। पार्ट नंबर फाइव, पार्ट नंबर फाइव भी आप लोग होमवर्क में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चंस में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो हम उससे पूछ सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, और डेली की डेली आप लोग रिवाइज़ करेंगे, आपके पीरियडिक टेस्ट आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट बोला जाता है, वो भी आने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। मैं चाहता हूँ कि ऑल स्टूडेंट्स गेन 20 मार्क्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर किसी स्टूडेंट्स का वर्क कंप्लीट नहीं है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो अच्छे से पढ़िएगा आप लोग, और डेली के डेली आपको पढ़ना है, जूम क्लास अटेंड करना है और
जो वीडियो और पीडीएफ हम फॉरवर्ड करते हैं उसको भी ऑब्जर्व करना है अच्छे से। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय।